So hello everyone, I welcome you all. Now see, the last of the times we had been discussing the chapter of salary in the revision mode. तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और रिवीजन आगे और करते जाते हैं. देखिए, मैंने पिछली बार आपसे ऐसा कहा था कि जब आप रिवीजन करते हैं तो एक तो आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ द वे ऑफ रिवीजन. तो ये जो वीडियो लेक्चर है इसको आपको कई बार सुनना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ देयर. दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स को सामने रख लें, सुनने पर बहुत ध्यान दें और उससे ज़्यादा कोशिश ये करें कि रिपीट करें जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं. जब आप रिवाइज करें तो उसको रिपीट करें, क्योंकि रटना तो पड़ेगा, रटने की ही परीक्षा है. तो रटा जाए, बस यही अपने को करना है. रिवीजन मतलब ही यही है कि जो आता है उसको रटना है. आता तो सब कुछ है, बस याद नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है. तो याद करने की कोशिश करनी है. तो सैलरी में अपन ने एक लेवल तक आगे बढ़ गए थे एंड वी हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड विद दी डिस्कशन ऑफ 13 परक्विजिट्स. तो अब अपन 14th परक्विजिट से चालू करते हैं एंड दैट इज मेडिकल एक्सपेंसेस. तो मेडिकल एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बियर करता है तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉयर को जितना भी खर्चा एम्प्लॉई के मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने में होता है वो एक परक्विजिट है. एज वी सेड द लास्ट टाइम, द परक्विजिट वैल्यू इज कॉस्ट टू द कंपनी. अब कुछ मेडिकल परक्विजिट्स एग्जम्प्ट हैं, तो उसके बारे में अपन, ये एक डायग्राम था अपने नोट्स में पेज 43 पे, उसको देख लेते हैं. तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, सो दैट एज अ परक्विजिट इज समथिंग विच इज एग्जम्प्ट. मेडिकल रीइंबर्समेंट अगर करता है, ऐसे केसेस जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, अगर मेडिकल एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर बियर करता है तो ऐसी परिस्थिति में द परक्विजिट वैल्यू ऑफ दैट इज समथिंग विच इज टैक्सेबल. उसमें एग्जम्पशन पहले हुआ करता था, अब नहीं है. और मेडिकल एक्सपेंसेस जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन है, तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन इंडिया में है तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के केस में द परक्विजिट इज फुल्ली एग्जम्प्ट. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है तो परक्विजिट एग्जम्प्ट है. और अगर ये ऐसा हॉस्पिटल है जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव्ड है एंड द ट्रीटमेंट इज ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस, वही जो 80DD में कवर होने वाली भयंकर जानलेवा बीमारियां हैं, तो उनका ट्रीटमेंट अगर है तो एग्जम्प्ट है. और अदर केसेस में कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट विच इज टैक्सेबल. अगर इलाज इंडिया के बाहर है तो ऐसी परिस्थिति में वहां जाने आने का खर्चा जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है. अब मैं कह रहा हूँ टैक्सेबल है, बाकी लॉ में थोड़ा सा वो दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है, 2.5 लाख रुपए तक है, तो वो एग्जम्प्ट है. पर मैंने अभी सिंपली कह दिया कि वो टैक्सेबल है. वहाँ रुकने का खर्चा और जो बीमार है उसका प्लस एक अटेंडेंट जो साथ में जाएगा उसका, तो वो एग्जम्प्ट है. अभी मैं कह रहा हूँ एग्जम्प्ट है, बाकी टेक्निकली देखोगे तो ऐसा दिया हुआ है कि एग्जम्प्ट है अप टू द लिमिट्स गिवन अंडर द फेमा. फेमा की जो भी लिमिट्स हैं, टू दैट एक्सटेंट इट इज समथिंग विच इज एग्जम्प्ट. और वहां पे जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो भी एग्जम्प्ट है अप टू द लिमिट्स गिवन अंडर फेमा. अब ये तो बेसिक प्रोविजन है. इसके अलावा ये है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल है. और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में आपको पता है कौन कौन आ जाते हैं, असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन, उनके स्पाउस, सर्वेंट्स, डिपेंडेंट्स, ये सब आ जाते हैं. तो ये सब के लिए जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर कर रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस का, वो सब टैक्सेबल है. पर ये जो एग्जम्पशन अपन ने पढ़े, जो भी एग्जम्पशन पढ़े, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह या मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब जो एग्जम्पशन है ये तभी है जब ये ट्रीटमेंट, ये खर्चा एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर के लिए किया गया है. और फैमिली मेंबर की डेफिनेशन होती है असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हु आर मेनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी. तो ये बेसिक रूल है. और बाकी बात ये है कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम दी एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड.
So that is another aspect of the matter. Amount recovered from the employee shall be reduced. अब उसके बाद आता है अगला लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल अलाउंस LTC. तो LTC मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को और उसके परिवार वालों को छुट्टी पर भेजा, छुट्टी पर उनको भेजा, तो जो छुट्टी से संबंधित खर्चा है उसके बारे में ये लीव ट्रैवल कंसेशन होता है. तो लीव ट्रैवल कंसेशन का बेसिक रूल है कि लीव ट्रैवल कंसेशन एम्प्लॉयर जितना भी दे रहा है अपने एम्प्लॉई को, दैट इज अ परक्विजिट एंड दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई. तो एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयर वहाँ पे जाने आने का, रुकने का, घूमने फिरने का जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है सब कुछ टैक्सेबल है. हावेवर लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स इज एग्जम्प्ट. पहला फिगर है LTC रिसीव्ड, जितना कंपनी ने दिया. दूसरा है LTC एक्सपेंडेड, जो एम्प्लॉय का खर्च हुआ. और तीसरा अमाउंट एज पर रूल्स. अब रूल्स में एक मैथमेटिकल फिगर है जो सिर्फ टिकट की वैल्यू तक का है. तो वो जो टिकट की वैल्यू तक का मैथमेटिकल फिगर है वो फिगर एग्जम्प्ट हो जाएगा. और वो बड़ा टिपिकल है उसमें. तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर जर्नी इज बाय एयर, इफ द जर्नी इज बाय एयर, तो ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमी क्लास में जो एयर टिकट्स का पैसा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. और ये सब एग्जम्पशन तभी है देखो जब ट्रैवल इंडिया में है. अगर ट्रैवल इंडिया के बाहर है तो एग्जम्पशन नहीं है. तो अगर जर्नी एयर से है तो इकोनॉमी क्लास का जो एयर टिकट का पैसा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. अगर जर्नी अदर मोड से है, मतलब ट्रेन से है या बस से है या प्राइवेट कार से है या शिप से है, किसी भी अदर मोड से है, तो एक मैथमेटिकल फिगर एग्जम्प्ट होगा. अब देखो अगर दोनों प्लेसेस जहां एम्प्लॉय जा रहा है, अगर दोनों प्लेसेस कनेक्टेड है बाय ट्रेन, तो AC फर्स्ट क्लास का ट्रेन का जो टिकट का वैल्यू होता है वो एग्जम्प्ट होगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं एम्प्लॉय ट्रेन से गया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ट्रेन से कनेक्टेड है जगह, तो AC फर्स्ट क्लास टिकट का जो वैल्यू है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. और अगर दोनों जगह ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा. तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां जाने आने का, तो ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट क्लास, डीलक्स क्लास का जो भी टिकट का वैल्यू होता है, जैसे मान लो बस से कनेक्टेड है या कोई भी और मोड से कनेक्टेड है, शिप से कनेक्टेड है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट क्लास, डीलक्स क्लास का जो भी टिकट वैल्यू होता है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां जाने आने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में AC का ट्रेन का जो टिकट वैल्यू होता है, फर्स्ट क्लास AC का ट्रेन का जो टिकट वैल्यू होता है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा बाय द शॉर्टेस्ट रूट. ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल फिगर निकालना पड़ेगा कि उतने डिस्टेंस का AC का फर्स्ट क्लास के टिकट की क्या वैल्यू होती है. तो जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी. तो ये बेसिक रूल था. और ये एक फिगर है, उसके अलावा LTC रिसीव्ड दूसरा फिगर है, तीसरा फिगर है LTC एक्सपेंडेड. तीनों में से विचेवर इज लोअर जो होगा वो एग्जम्प्ट होगा. अब LTC में क्या था, बाकी बातें भी बहुत सारी थी. एक तो ये है कि एग्जम्पशन, ये जो रूल्स का फिगर है ये सिर्फ टिकट की वैल्यू का है, सिर्फ फेयर का है. ठीक है, तो वहां रुकने, खाने पीने, रहने का खर्चे पर रूल्स में जो फिगर निकलेगा उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है. दूसरी चीज ये है कि अगेन टैक्सेबल कब है, जब ये परक्विजिट एम्प्लॉई या उसके मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड को दिया गया है. तो मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड में वही स्पाउस, चिल्ड्रन, उनके स्पाउस एंड देन वो सब लोग आ जाएंगे, राइट, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स. पर जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन एम्प्लॉई और फैमिली मेंबर्स के लिए है. तो फैमिली मेंबर में कौन कौन आएंगे आप देख सकते हो. फैमिली मेंबर में आ जाएंगे स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अगर वो डिपेंडेंट है. और चिल्ड्रन में भी बहुत बड़ी चीज ये है कि दो ही बच्चों का एग्जम्पशन है. तो दो से ज्यादा बच्चे हैं तो एग्जम्पशन दो पर ही मिलेगा. अभी अपन ने पिछली बार जो रिवाइज किया था उसमें एजुकेशन अलाउंस में भी वही दो बच्चों वाला क्राइटेरिया था, यहाँ भी दो बच्चों वाली बात है. तो दो ही बच्चों का एग्जम्पशन मिलेगा. एंड देन फर्दर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि दो बच्चों का एग्जम्पशन है पर अगर चिल्ड्रन की बर्थ 1 अक्टूबर 1998 के पहले हुई है तो फिर उनके लिए एग्जम्पशन नहीं है, मतलब उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा. और दूसरी चीज ये है कि अगर मल्टीपल बर्थ्स हो जाती है आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, से फर्स्ट के बाद ट्विंस हो जाते हैं, तो फिर तीनों बच्चों पर एग्जम्पशन मिल जाएगा.
कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो लोग बच्चों की एज दे देते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो पहले पैदा हुए थे, बाद में हुए थे, ट्विन्स है नहीं है, तो उस बेसिस पे आप एग्जम्पशन दे सकते हैं। एक आध बार एग्जाम में ऐसा सब पूछ चुके हैं वो, दैट इज हाउ इट हैपन्स। अब यहाँ दो और चीजें दी गई है, एक तो ये है कि चार चार साल के ब्लॉक है और चार साल के ब्लॉक में केवल दो ही LTC का एग्जम्पशन मिलेगा। तो मान लो एम्प्लॉय को दो से ज्यादा LTC पर आपने भेजा तो एग्जम्पशन दो ही LTC का मिलेगा, तो एक तो ये है। और वो चार साल के ब्लॉक कैसे बनते हैं, डे ऐसे कैलेंडर ईयर्स में बनते हैं। तो जैसे 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 अभी जो ब्लॉक चल रहा है वो ये है, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 इस ब्लॉक में, चार साल के ब्लॉक में 18, 19, 20, 21 चार साल के ब्लॉक में एम्प्लॉय दो ही छुट्टी पर जा सकता है, दो से ज्यादा छुट्टी पर जाता है तो एग्जम्पशन दो ही छुट्टी पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो ब्लॉक में अपन ने छुट्टियां अवेल नहीं कर पाए, ठीक है, एक भी छुट्टी अवेल नहीं कर पाए या एक कर ली, तो जो भी बची हुई छुट्टी है उनमें से केवल एक ही छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होगी और अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में उसको यूज करनी पड़ेगी। तो 2018 से 2021 के बीच में अगर एक भी छुट्टी अवेल नहीं कर पाए तो भी इस ब्लॉक की एक छुट्टी कैरी होगी अगले ब्लॉक में, 22 से 25 तक के ब्लॉक में एक छुट्टी कैरी होगी और वो भी 2022 में आपको फर्स्ट ईयर में यूज करनी पड़ेगी। दैट इज द मैंडेट विच इज देयर। कई बार हो जाता है कि किसी कारण से हम छुट्टी अवेल नहीं कर पाए, जैसे अभी कोरोना का समय है तो छुट्टी अवेल नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है एक छुट्टी कैरी हो जाएगी, उसको अगले ब्लॉक के पहले ईयर में यूज कर लेना। और फिर राइट, दिस इज द रूल विच वी हैव, तो ये अपना LTC वाला एग्जम्पशन हो जाता है। इसके बाद अपन और आते हैं आगे। अब अगला परक्विजिट है ट्रैवल अदर देन LTC। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को ट्रैवलिंग के लिए भेजता है अदर देन LTC, ऑफिशियल टूर वगैरह पे भेजता है, तो वो भी एक परक्विजिट है और उसका भी परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। पर उस ऑफिशियल टूर में केवल पर्सनल एलिमेंट को परक्विजिट माना जा सकता है। एम्प्लॉई को ऑफिशियल टूर पे भेजा तो उसमें जो पर्सनल एलिमेंट है उसी को परक्विजिट माना जा सकता है। बेसिक रूल तो यही है कि कॉस्ट टू दी कंपनी इज दी परक्विजिट, पर वो कॉस्ट टू दी कंपनी में पर्सनल एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो पर्सनल एलिमेंट के लिए ये एक चार्ट है और सिंपल है। इसमें ये दिया हुआ है कि अगर ऑफिशियल टूर है इट इज फॉलोड बाय अ पर्सनल टूर, मतलब पहले वो ऑफिशियल टूर करने वाला था, बाद में दो चार दिन वो पर्सनल टूर भी करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो बाद वाले दिन है पर्सनल टूर से रिलेटेड दिन है उन्हीं दिन को परक्विजिट माना जाएगा, उन्हीं को टैक्स किया जाएगा। दूसरा है अगर ऑफिशियल टूर पे एम्प्लॉय को भेजा गया था पर उस ऑफिशियल टूर में फैमिली भी अकंपनी कर सकती है, परिवार वाले भी साथ में जा सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू विल बी द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स, परिवार वालों के जो भी खर्चे हैं वो परक्विजिट होंगे। और तीसरा आता है कि अगर एम्प्लॉई को ऑफिशियल टूर पे भेजा पर उसको गेस्ट हाउस वगैरह में रखा, होटल में रखा, जो कि नॉर्मली सब एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल नहीं है, या उस कैटेगरी के एम्प्लॉय से बेटर पैकेज उसको दिया, बेटर होटल में रखा, तो ऐसी परिस्थिति में होटल के जो भी चार्जेस है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उस गेस्ट हाउस की, दैट विल बी द परक्विजिट, टू दैट एक्सटेंड द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इन ऑल अदर केसेस एम्प्लॉयर की जो भी कॉस्ट टू दी कंपनी है ऑन दी ऑफिशियल टूर जिसमें पर्सनल एलिमेंट है वो पर्सनल एलिमेंट को परक्विजिट माना जाएगा। जैसे ऑफिशियल टूर पे भेजा, वहाँ उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट दे दिया, वो पर्सनल एलिमेंट जो है टू दैट एक्सटेंट इट विल बी अ परक्विजिट, कॉस्ट टू दी कंपनी विल बी दी परक्विजिट। इसके बाद अगला आता है मील। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को ऑफिस में, ऑफिस आवर्स में, ऑफिस आवर्स के बाद चाय नाश्ता खाना वगैरह खिलाता है तो वो खाना वाना खिलाना भी परक्विजिट है। परक्विजिट वैल्यू का बेसिक रूल तो यही है, कॉस्ट टू दी कंपनी इज दी परक्विजिट। हाउएवर कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं तो अपन देख लेते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर चाय नाश्ता खिला रहे हो, ठीक है, टी स्नैक्स, अगर ये ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है तो एग्जम्प्ट है, ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड है तो टैक्सेबल है, ठीक है, और दैट इज इट। फिर अगर फूड खिला रहे हो,
पोहा वोहा जो भी है ठीक है, तो वो सब एग्जम्प्ट है. फोकस बैक, वी आर इन रिवीजन. फिर उसके बाद फूड, फूड अगर आप खिला रहे हो तो उसमें ये दिया हुआ है कि ऑफिस अगर रिमोट एरिया में है, कि कोई ऐसे जंगल वंगल में है, रिमोट एरिया में है या कोई ऐसी साइड में है, तो वहां पर अगर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है तो एग्जम्प्ट है. उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, पूरा वैल्यू एग्जम्प्ट है. ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड है तो टैक्सेबल है ठीक है. और अदर केसेस, मतलब आपकी फैक्ट्री रिमोट एरिया में नहीं है, खाना खिला रहे हो, तो 50 रुपीज पर मील एग्जम्प्ट है. 50 से ज्यादा है तो 50 एग्जम्प्ट है. तो 60 रुपए का मील है तो 50 एग्जम्प्ट हो जाएगा, 10 टैक्सेबल हो जाएगा. और इट मे बी बाय वे ऑफ फूड इन द ऑफिस, इट मे बी बाय वे ऑफ सम सुडिक्सो और सम सॉर्ट ऑफ अ नॉन ट्रांसफरेबल कूपन एक्सेट्रा, वो सब एग्जम्प्ट है. 50 रुपए तक, 50 रुपए से ज्यादा है तो वैल्यू अबोव 50 रुपीज विल बी टैक्सेबल. और ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड है तो फिर टैक्सेबल है. देखो, जो भी ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड है वो सब टैक्सेबल है, ऑफिस आवर्स में है तो एग्जम्प्ट है. और ऑफिस आवर्स में अगर वो नॉर्मल कोर्स है तो 50 रुपए की लिमिट है, बस 50 रुपए तक का पर मील एग्जम्प्ट है. आपको याद होगा यहाँ पे हमने कहा था कि देखो, क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा कि साल में कितने दिन उसको खाना खिलाया गया. तो अपने को 300 वर्किंग डेज अज्यूम कर लेना चाहिए कि 300 वर्किंग डेज जो है वो एग्जम्प्ट है. तो इस तरह का अपन कुछ अजम्पशन ले सकते हैं. तो ये बेसिक पॉइंट था. चलो अब उसके आगे चलते हैं, अगले नोट पर आते हैं. अगला परक्विजिट वैल्यूएशन आता है मोटर कार फैसिलिटी का. अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को मोटर कार फैसिलिटी देता है तो वो परक्विजिट है एंड परक्विजिट वैल्यू विल बी टैक्सेबल. तो परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो उसका फुटनोट अगेन है, उसको देख लेते हैं. अगर कार दी गई है विच विल बी यूज होली फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, सो इफ इट विल बी यूज होली फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, तो इसमें पर्सनल एलिमेंट नहीं है, पर्सनल एलिमेंट नहीं है, तो परक्विजिट वैल्यू विल बी निल. इफ द कार विल बी यूज्ड होली फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो अगर ये फुल्ली पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज की जाएगी तो पूरी कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट. कॉस्ट टू द कंपनी के तीन एलिमेंट्स होंगे. नंबर वन, डेप्रिसिएशन या रेंट, तो उसमें 10% ऑफ द कॉस्ट को परक्विजिट मान लेंगे. नंबर टू इज द रनिंग एक्सपेंसेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. एंड नंबर थ्री इज द ड्राइवर एक्सपेंसेस, शॉफर एक्सपेंसेस. पूरे 100%, 900 रुपए मत ले लेना, पूरे विल बी रिगार्डेड एज परक्विजिट अगर कार इज टू बी यूज होली फॉर पर्सनल पर्पजेस. रेयर केस है, सबसे ज्यादा केस जो आएगा वो ये है, द कार विल बी यूज पार्टली फॉर पर्सनल पर्पजेस, पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पजेस. ऐसी परिस्थिति में इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड द रनिंग एंड मेंटेनेंस इज डन बाय द एम्प्लॉयर, कार भी एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 1800 रुपये पर मंथ विल बी रिगार्डेड एज दी परक्विजिट. पर यह कार अगर 1600 सीसी से कम है, तो अगर ये कार 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 रुपये पर मंथ वुड बी रिगार्डेड एज परक्विजिट. और अगर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस इज डन बाय द एम्प्लॉई, तो ऐसी परिस्थिति में 600 रुपये पर मंथ वुड बी रिगार्डेड एज परक्विजिट. और अगर 1600 सीसी से ज्यादा कार है तो 900 रुपये पर मंथ वुड बी रिगार्डेड एज दी परक्विजिट. और अगर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, रनिंग एंड मेंटेनेंस इज डन बाय द एम्प्लॉयर, तो कॉस्ट टू द कंपनी माइनस 1800 रुपये विल बी रिगार्डेड एज द परक्विजिट. और कार अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो कॉस्ट टू द कंपनी माइनस 2400 रुपये पर मंथ वुड बी रिगार्डेड एज द परक्विजिट. और अगर कार भी एम्प्लॉय की, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो परक्विजिट है ही नहीं, उसमें एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं कर रहा है. और जितने भी केसेस हैं ये सभी तीन केसेस में, अगर शॉफर भी अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका 900 रुपये पर मंथ को परक्विजिट वैल्यू अलग से माना जाएगा. तो अपन ने वो बहुत सारे क्वेश्चंस किए एंड अलग अलग वैरायटी करके देखी कि कार देखो इसकी रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है, तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वो सारे अपन ने परम्यूटेशंस करके देखे थे. अगर एम्प्लॉयर एक से ज्यादा कार एम्प्लॉय को देता है तो एक कार का तो परक्विजिट वैल्यूएशन अपन कर लेंगे पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, और दूसरी सभी कारों को पर्सनल मान लेंगे. इफ मोर देन 100% पर्सनल, ठीक है, ये लिखा हुआ है कहीं पर, आप देखोगे इफ मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड
सेकेंड कार ऑनवर्ड्स विल बी फुल्ली पर्सनल. अगेन इट्स अ रेयर केस, जनरली एक कार ही देते हैं कंपनी, कोई बड़ी बात है तो ये परक्विजिट वैल्यूएशन हो जाता है. इसके बाद आखिरी परक्विजिट आता है अकोमोडेशन फैसिलिटी. अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मकान वगैरह देता है, तो अकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? द बेसिक रूल ऑलवेज इज द कॉस्ट टू द कंपनी शैल बी रिगार्डेड एज द परक्विजिट. तो अगेन उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके केस में मकान कैसा भी हो, हम तो स्टैंडर्ड एक मान लेंगे कि जो उनके सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है वो परक्विजिट वैल्यू है जो टैक्सेबल है. तो उनके सर्विस रूल्स में उस कैडर के एम्प्लॉय को जितना भी अच्छा मकान दिया जा सकता है या जितने भी वैल्यू का किराए का मकान दिया जा सकता है, उतनी वैल्यू को परक्विजिट मान लिया जाएगा. पर अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके केस में परक्विजिट वैल्यूएशन एक मैथमेटिकल फिगर से किया जाएगा. अगर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो परक्विजिट वैल्यूएशन करने के लिए ये अपना चार्ट है. पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी को परक्विजिट मानेंगे. पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी को परक्विजिट मानेंगे. और पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी को परक्विजिट मानेंगे. परक्विजिट मानेंगे मतलब इसको टैक्सेबल करेंगे, तो ये वैल्यू टैक्सेबल होगी. और अगर एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया है तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू होगी वो रेंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, लोअर फिगर को परक्विजिट मान के टैक्स कर लेंगे. अब यहाँ पर कुछ सवाल जैसे थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में रूल अलग है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है? तो उसकी डेफिनेशन दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डेप्यूटेशन पे किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, किसी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. पॉपुलेशन अपने को देखनी है ना, 25 लाख वगैरह, तो पॉपुलेशन कब की देखेंगे? 2001 वाले सेंसस की. अभी तो 21 में बैठे अपन, पर 2001 का ही सेंसस देखेंगे. फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है. ये एचआरए में भी होता है, यहां भी है. उसके अलावा सैलरी के वेरिएबल्स क्या, क्योंकि 15% सैलरी का लेना है या 7.5% या 10%, तो सैलरी के क्या कंपोनेंट्स होंगे? और ये अलग है, देखो पूरे सैलरी में एक आध दो जगह ही सैलरी के जो वेरिएबल्स है वो चेंज होते हैं, बाकी सब जगह तो बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर की बात आती है. एक दो जगह आती है जहां पर अलग वेरिएबल्स की बात होती है. तो दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहां पर सैलरी के कंपोनेंट्स अलग होंगे. और यहां पर जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं वो रहेंगे ऑल द मॉनेटरी पेमेंट्स विच आर टैक्सेबल. तो इसमें सारे मॉनेटरी पेमेंट्स आ जाएंगे, सारे अलावेंसेस आ जाएंगे, अलावेंसेस का केवल टैक्सेबल पोर्शन आएगा. तो जैसे मान लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया तो उसमें से वो 100 रुपए वाला एग्जम्पशन माइनस करके जो फिगर है वो आएगा. ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स विच आर टैक्सेबल आएंगे एक्सेप्ट अदर डियरनेस अलावेंस. कंडीशनल डियरनेस अलावेंस को तो ऐड कर लेंगे, अदर डियरनेस अलावेंस को ऐड नहीं करेंगे, उनके फॉर्मूला में है. बाकी खासतौर पर इशू क्या आता है कि आरपीएफ को ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्वेश्चन करते समय याद रखना कि आरपीएफ इज अ बेनिफिट नॉट अ मॉनेटरी पेमेंट. ठीक है, इसी प्रकार से डियरनेस अलावेंस को, बोनस को, ये सब ऐड करेंगे. बाकी ऑल द मॉनेटरी पेमेंट्स विल बी एडेड, ऑल द अलावेंसेस विल बी एडेड, नो परक्विजिट विल बी एडेड. तो परक्विजिट के पहले का फिगर है, तो यहाँ पर कार फैसिलिटी या लोन वो सब को ऐड करने के पहले का फिगर अपन लेते हैं. तो ये याद रखने की बात है, अदर डीए को छोड़ के बाकी सारे मॉनेटरी पेमेंट्स को अपन ऐड करते हैं. और अगर फर्नीचर अलग से दिया है एम्प्लॉयर ने तो फर्नीचर के लिए अलग से परक्विजिट वैल्यूएशन कर लेना. मतलब अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर है तो 10% ऑफ द कॉस्ट इज द परक्विजिट. एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है तो कॉस्ट टू द कंपनी विल बी द परक्विजिट. जो वो यूज ऑफ मूवेबल असेट वाला रूल है उस हिसाब से वैल्यूएशन कर लेना. अगर होटल में अकोमोडेशन दिया है तो होटल में न केवल एम्प्लॉयर ने रहने की जगह दी है बल्कि खाना और अदर एमिनिटीज, सर्वेंट वगैरह सब आ गया उसमें, तो देयरफॉर उसमें परक्विजिट वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा किया जाता है. तो परक्विजिट वैल्यू होता है एम्प्लॉयर जो किराया दे रहा है होटल के चार्जेस या 24% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी ये रूल है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी ये रूल है, अगर होटल अकोमोडेशन है. उसके बाद ये आता है कि अगर
ट्रांसफर के अकाउंट पे 15 दिन का होटल अकोमोडेशन दिया गया है, परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं करेंगे, 16वें दिन से परक्विजिट वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली चीज आती है, अगर एक से ज्यादा अकोमोडेशन दिया है तो एक अकोमोडेशन पे तो परक्विजिट वैल्यूएशन 90 दिन तक एग्जम्प्ट हो जाएगा और दूसरे का टैक्सेबल होगा। मतलब दो अकोमोडेशन दिए, अक्सर ये ट्रांसफर के अकाउंट पे होगा, तो ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर 90 दिन तक अगर दो अकोमोडेशन दिए गए हैं तो केवल एक ही दिन का परक्विजिट वैल्यूएशन, एक ही अकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाएगा। पर अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं ड्यूअल अकोमोडेशन को, तो फिर 91st डे से दोनों अकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाएगा। थिंक अबाउट इट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया और 85 डेज के लिए दो अकोमोडेशन दिए, पुराना वाला भी नहीं छोड़ा एम्प्लॉय ने, नया वाला ऑक्यूपाई कर लिया, दोनों अकोमोडेशन उसके पास हैं, तो यहां पर एक ही अकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाएगा। पर अगर 95 डेज के लिए दो अकोमोडेशन रहे ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, तो 90 दिन तक तो एक अकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाएगा और 5 दिन के लिए दोनों अकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो इस तरह का प्रपोजिशन है। एंड एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इन एनी केस शैल बी डिडक्टेड। तो ये परक्विजिट वैल्यूएशन अकोमोडेशन का हो गया। अब परक्विजिट वैल्यू है, एग्जम्पशन नहीं है, अपने सामने कहानी। यहाँ कोई ₹1,000 ₹500 पर मंथ वैसा एग्जम्पशन नहीं है जैसा कई जगह होता है, ठीक है, कई जगह था, यहाँ नहीं है। अब ये तो हो गए अपने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और परक्विजिट्स। इसके बाद आता है प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले वो परक्विजिट, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। ये रेवेन्यू अकाउंट पे मिले या कैपिटल अकाउंट पे मिले, ये जॉब ज्वाइन करने के पहले मिले, जॉब छोड़ने के बाद मिले, ये किसी भी नाम से मिले, सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, प्रोफेशनल फीस, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल है। इट इज डीम्ड टू बी अ सैलरी, राइट, इट इज कॉल्ड एज डीम्ड सैलरी इन लीव ऑफ सैलरी, ये कंसिडरेशन है। तो ये सब टैक्सेबल है। जॉब छोड़ने के बाद जो पेंशन मिलती है वो भी सैलरी है। जॉब छोड़ते समय जो कैपिटल अकाउंट पे प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी का पैसा मिलता है वो भी सैलरी है। वीआरएस का पैसा मिलता है वो भी सैलरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट सारे सैलरी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 कहता है दैट ऑल दीज आर डीम्ड टू बी सैलरी। फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी आ जाता है। एक चीज बची है ग्रॉस सैलरी में, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसको बाद में ले जाते हैं, प्रायोरिटी 2 की चीज है वो। तो ग्रॉस सैलरी निकल गई, उस ग्रॉस सैलरी में से फिर अपन ने माइनस करते हैं सेक्शन 16 के डिडक्शंस। सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस माइनस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि एम्प्लॉई ने जॉब करने के लिए कुछ खर्चे किए होंगे, उन खर्चों के लिए स्टैंडर्ड बेसिस पे साल का ₹50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो ₹50,000 साल का एम्प्लॉई को डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन में नहीं देंगे, अपने आप से इसको देना है। दूसरी चीज ये आती है कि अगर पेंशन इनकम हो रही है, पेंशन हो रही है आपको, तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जॉब छोड़ने के बाद पेंशन मिल रही है, पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल है, पेंशन में से भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात आती है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस उनके केस में भी टैक्सेबल है, पर उनमें लोअर ऑफ द 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट और लोअर ऑफ द 3 फिगर्स इज एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस और ₹5,000 साल का और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। बेसिकली ₹5,000 साल को ले लेना, बाकी मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो 5,000 एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। और गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स को देखो, मैं प्रोफेशनल टैक्स कह रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पेपर में दे विल से टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, कई बार वो कहेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे डियरनेस अलाउंस में भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंडीशनल डियरनेस अलाउंस को कई बार वो कह देते हैं, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, इट इज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे कंफ्यूज मत हो, शब्दों का सिर्फ सिनोनिम को याद रखो कि ये सिनोनिम भी है उसका। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट टैक्स मतलब प्रोफेशनल टैक्स।
अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो रूल यह है कि उसे सैलरी में जोड़ेंगे और बाद में उसे माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी में से। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो उसे सिर्फ ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात यह होती है कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको यह दिया जाएगा कि प्रोफेशनल टैक्स बनता है 10,000 या 2,000 और आपने पे किया 1,500 रुपए, तो आपने 1,500 पे किया तो 1,500 का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। वैसे अभी इतना इनकम टैक्स तो अपन ने पढ़ ही लिया कि अपने को ये सब पता है कि जितने भी टैक्स होते हैं कहीं ना कहीं उस रिलेवेंट हेड में ये बात मिली जाती है दैट द डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो यहां भी दिया हुआ है दैट द डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अब उसके बाद अगली चीज आती है 89(1) का रिलीफ, पर वो एक बार अपन रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ लेते हैं फिर 89(1) के रिलीफ पर आते हैं। सो लेट अस गेट बैक टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अगर आपके साथ नोट्स हैं जो कि जरूर रखने चाहिए आपको, तो नोट्स में आपको मिलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑन पेज नंबर 34। 34 पेज पे जब आप देखोगे तो यहां 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की है, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेच्युटी, वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। थम रूल ये है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जितना भी मिले वो टैक्सेबल है, किसी भी नाम से मिले, वीआरएस वगैरह कोई भी नाम से मिले, वॉट एवर रिटायरमेंट बेनिफिट यू आर गेटिंग इज टैक्सेबल। हाउएवर सेक्शन 10 में कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एग्जम्प्ट है। तो उसमें सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं लीव एनकैशमेंट की। लीव एनकैशमेंट बेसिकली आपको जो अलॉटेड छुट्टियां थी उससे कम छुट्टियां आपने ली, कंपनी ने आपको बोला था साल की 20 छुट्टी मिलेगी, मेडिकल और सीएल और ये सब मिलाकर 20 छुट्टी मिलेगी, पर आपने 20 छुट्टी नहीं ली, कम छुट्टी ली, तो जो कम छुट्टी ली वो अक्यूमुलेट हो गई आपकी और उसका आपको सैलरी के एवज में आपको ये पैसा मिल रहा है। ये पैसा अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो टैक्सेबल है। लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी टैक्सेबल है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी टैक्सेबल है, पर अगर ये रिटायरमेंट के समय मिलता है तो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो रिटायरमेंट के दिन जितना भी लीव एनकैशमेंट मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है 3,00,000 रुपए की, फुल्ली एग्जम्प्ट, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लोअर ऑफ द 4 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसिट इस सेक्शन की लिमिट 3,00,000 रुपए, एवरेज सैलरी इंटू 10 और एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 30 माइनस लीव अवेल्ड। तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस जितने भी है इंटू 30 माइनस लीव अवेल्ड डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में रहेगा 30 डेज, एक्चुअली उनका कहना है 30 डेज इंस्टेड ऑफ 30 वर्किंग डेज, या वर्किंग डेज की जगह दे आर यूजिंग द वर्ड डेज। तो ये फॉर्मूला अपन ने उस समय लिखा था, क्वेश्चन भी किए इसके ऊपर। द प्रिंसिपल इज कि आपको एक तो फिगर लेना है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज, और सैलरी के कंपोनेंट से बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो सैलरी ये हुआ एवरेज सैलरी। दूसरा वेरिएबल है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो आपको राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है ईयर्स की, तो 12 साल और 11 महीने भी 12 साल ही होंगे, ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तीसरा है यहाँ पे 30 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 30, ये बहुत स्टैंडर्ड है 30। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयर साल की 25 दिन की छुट्टी देता है, भले ही एम्प्लॉयर 25 दिन की छुट्टी देता है, भले ही एम्प्लॉयर 35 दिन की छुट्टी देता है, आपको तो 30 लेना है। यहाँ पे साल की 30 फिक्स छुट्टियां लॉ में दी हुई है इस फॉर्मूला में, तो 30 छुट्टी लेना है माइनस लीव अवेल्ड जितनी छुट्टी उसने ले ली। तो मान लो पिछले 15 साल में वो 150 छुट्टी ले सकता था, 150 छुट्टी ले सकता था, उसने 100 छुट्टी ले ली, तो 50 छुट्टी नहीं ली, वो 50 छुट्टी का उसको लीव एनकैशमेंट मिलेगा। तो ये 50 दिन की छुट्टी हुई और ये सैलरी का फिगर मंथ में है, तो इसलिए डिनोमिनेटर अपने को लेना पड़ता है 30, क्योंकि इन डेज को अपने को मंथ में कन्वर्ट करना रहता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर अपन लेते हैं 30। ये डेरिवेशन बता रहा हूँ, फॉर्मूला जो है वो अपने सामने है।
तो ये अपना बेसिक रूल है, एवरेज सैलरी इनटू 30 डेज, 30 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल डिवाइडेड बाय 30, ये एक फिगर हुआ। दूसरा फिगर हुआ एवरेज सैलरी इनटू 10, तीसरा फिगर हुआ 3 लाख, और चौथा फिगर हुआ एक्चुअल रिसिट। विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट, जितना मिला वो टैक्सेबल, लोअर ऑफ दीज फिगर्स इज एग्जम्प्ट। ये याद रखना है कि मेहनत करके जो फिगर निकालते हो वो करना क्या, उसका उसको माइनस करना है यहाँ पे। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की लेनी है, डेट टू डेट 10 महीने लेने अपने को। सैलरी के कंपोनेंट से बेसिक प्लस CDA प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, और ये जो 3 लाख की लिमिट है ये लाइफ टाइम लिमिट है। तो अगर एक बार आप इसमें से कुछ अमाउंट एग्जम्पशन कर चुके हो एक रिटायरमेंट के समय, तो अगली बार जब आप रिटायरमेंट लोगे तो बचा हुआ एग्जम्पशन ही मिलेगा। रिटायरमेंट मतलब इवन रिजाइन करना होता है, ऐसा मत सोचना जीवन में एक ही बार रिटायर होते, यू कैन रिटायर एनी टाइम बाय रेजिग्नेशन बाय टर्मिनेशन। सो देयरफॉर एक बार अगर आप एक अमाउंट एग्जम्पशन ले चुके हो तो अब बचा हुआ अमाउंट का ही एग्जम्पशन आपको मिल पाएगा। और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके लीगल हेयर्स को लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल, CBDT का सर्कुलर है। तो ये पहला रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया अपना, दैट इज लीव एनकैशमेंट। दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट है पेंशन। अब पेंशन का बेसिक रूल ये है कि पेंशन इज जनरली एन अमाउंट जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलरली मिलता है, और रेगुलरली जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है। हावेवर कई बार पेंशन की जो स्कीम होती है कंपनी की, एम्प्लॉयर की, उसमें एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप पेंशन का कम्यूटेशन भी करा सकते हो, मतलब पेंशन लमसम भी ले सकते हो। तो अगर आप लमसम अमाउंट ले लेते हो, कम्यूटेशन करा लेते हो, तो कम्यूटेशन जो लमसम है उसका क्या होगा ये अपने को देखना है। जनरली पेंशन जो मिलती है अनकम्यूटेड हर महीने वो तो टैक्सेबल है सैलरी हेड में, पर अगर आप उसका कम्यूटेशन करा लेते हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक मैथमेटिकल फिगर एग्जम्प्ट होगा। तो अगर असेसी को ग्रेचुटी मिल चुकी है, एक लमसम मिल चुका है, तो अब पेंशन के केस में 1/3 ही एग्जम्प्शन होगा, 1/3 ऑफ द फुल पेंशन विल बी एग्जम्प्ट। पर अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, वो लमसम नहीं मिला है, तो यहाँ जो एग्जम्प्शन मिलेगा थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, 1/2 ऑफ द फुल पेंशन विल बी एग्जम्प्ट, 1/2 ऑफ द फुल पेंशन विल बी एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होते हैं, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। और फुल पेंशन मतलब टोटल लमसम निकालते तो कितना निकालते, कई बार वो ऐसा भी कह देंगे कि देखो आपने 50% निकाला 5 लाख रुपए, तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई फुल पेंशन कितनी होती है। सिंपल मतलब दूसरी तीसरी का मैथमेटिक्स है, 50% निकाला 5 लाख, 5 लाख निकाला, और ये 50 है तो 100% कितना होता, 10 लाख, 10 लाख का 1/3 एग्जम्प्ट है, मान लो ग्रेचुटी भी मिल रही है तो आपने को उतना एग्जम्प्शन देना है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स 2nd-3rd class का करना है, कोई हाई फाई मैथ्स नहीं है इसमें, कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कंफ्यूजन वहां हो जाता है कि वो क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हम, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अपन ने क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो सब वेराइटी का एक एक क्वेश्चन किया है, वी हैव डन ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगली चीज आती है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी इज बेसिकली अ लमसम, अ ग्रेशियस पेमेंट जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मिल रहा है। इंडिया में एक कानून भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेचुटी देना कंपलसरी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इट इज अ कंपल्शन, इट इज अ मैंडेट कि आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो ग्रेचुटी जितनी भी मिलती है, ग्रेचुटी एक्ट से मिले या अदरवाइज मिले, जितनी भी ग्रेचुटी मिलती है वो टैक्सेबल है। However, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेचुटी इज exempt, फुल्ली exempt, और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ग्रेचुटी जो exempt है वो एक मैथमेटिकल फिगर है। तो अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है फिगर, POGA पोगा में अगर ये कवर्ड है, तो लोअर ऑफ द 3 figures इज exempt, एक्चुअल रिसिट 20 lakhs, और लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, विच एवर इज लोअर, एक्चुअल रिसिट 20 lakhs, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। अभी देखो यहाँ पे एक्चुअल रिसिट तो ठीक है, 20 लाख इस सेक्शन का लिमिट है, वो तो याद ही आपको 20 लाख, 20 लाख, और तीसरा है लास्ट ड्रॉन सैलरी,
लास्ट ब्राउन मतलब पिछले रिटायरमेंट के जस्ट पहले कितना निकाला था। सैलरी के कंपोनेंट्स यहाँ पर है बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा वाला, कंडीशनल या अदर या दोनों? दोनों है ना। तो बेसिक प्लस डीए ये सैलरी के कंपोनेंट्स है। 15 को न्यूमरेटर लेना है क्योंकि 15 डेज सैलरी लेनी है, और 15 वर्किंग डेज लेनी है, तो डिनोमिनेटर लेना है 26। तो 15/26 मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, तो ईयर्स ऑफ सर्विस की राउंडिंग ऑफ करनी है। 11 साल 11 महीने मतलब 12 साल हो जाएंगे, या 11 साल 7 महीने भी 12 साल हो जाएंगे, 11 साल 6 महीने भी 12 साल हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू डू राउंडिंग ऑफ, दैट इज इट। हाफ या अबोव इज फुल, सो दैट इज द कंसेप्ट। अभी आपको सब पता है, मेरे को भी सब पता है क्योंकि मैं नोट्स में देख के पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को सब पता है। बाकी मेरे को नहीं पता है, आपको बिना देखे एग्जाम में पता होना चाहिए पर कितना है। अगर एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा तो फिर लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसीट 20 लाख और एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/20 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। एक्चुअल रिसीट जितना आपको मिला, ठीक है, ग्रेचुटी जो मिला 20 लाख, तो ग्रेचुटी की लिमिट है वो, ठीक है, पोगा में हो या नहीं हो 20 लाख की लिमिट है। और तीसरा फिगर है एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी वही वाला लीव एनकैशमेंट वाला, एवरेज 10 महीने का लेना है, बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, 15/30 लेना है क्योंकि 15 डेज की सैलरी लेनी है, 15 डेज की लेनी है, ठीक है, वर्किंग डेज नहीं लेनी है, तो डिनोमिनेटर 30 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसीट 20 लाख और दिस फॉर्मूला विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में ये फुल्ली एग्जम्प्ट था। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, के केस में एग्जम्पशन है। पोगा में कवर्ड होते हो तो 15/26 लेना है, पर अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो 7/26 लेना है। राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कहाँ लेना है याद रखना, ठीक है, पोगा में कवर्ड होता है तो राउंडेड ऑफ, अदरवाइज कंप्लीटेड ईयर्स। फिर सैलरी के जो कंपोनेंट्स है मैंने आपको बताया कि 10 महीने का एवरेज लेना है, जहाँ एवरेज सैलरी लेना है। लाइफ टाइम लिमिट की बात एक और समझ लो कि जो केस आता है वेयर द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पोगा, सो वेयर द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पोगा द लिमिट इज बेसिकली फॉर एवरी रिटायरमेंट। यहाँ हर बार आपको 10-10 लाख रुपए का या 20-20 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन है हर बार मिल सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार एग्जम्पशन ले लिया तो अगली बार बचा हुआ अमाउंट कम हो जाएगा, हर बार 20-20 लाख का एग्जम्पशन। एट एवरी रिटायरमेंट यू कैन टेक दैट 20 लाख एग्जम्पशन। पर अगर पोगा में कवर्ड नहीं होते हो तो द लिमिट इज लाइफ टाइम। दैट मीन्स अगर 20 लाख में से कुछ एग्जम्पशन आप पहले ले चुके हो रिटायरमेंट के समय, तो अब आपको बचा हुआ अमाउंट का ही एग्जम्पशन मिलेगा। दैट इज द पॉइंट विच इज देयर। अभी देखो ये जो नॉट कवर्ड अंडर पोगा है, इट इज समवॉट लाइक दैट लीव एनकैशमेंट, उसके जैसे ही इसका कुछ फॉर्मूला है, बस अमाउंट और थोड़े से वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। बाकी यहाँ भी लाइफ टाइम लिमिट है, वहाँ भी लाइफ टाइम लिमिट थी। रटने के लिए कुछ बेसिस अपने को बनाना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो इसको याद रखते समय कहीं ना कहीं याद रखना कि लीव एनकैशमेंट और इसका क्लॉज मिलता जुलता है। और फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद परिवार वालों को सैलरी मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर्स, बट इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। उसके बाद आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट मतलब फैक्ट्री बंद हो गई, यूनिट बंद हो गई। अब यूनिट जैसे फोर्ड ने इंडिया में फैक्ट्री बंद कर दी, तो वो एम्प्लॉयज जो है उनको रिट्रेंच कर दिया, तो रिट्रेंचमेंट के समय वो जो कंपनसेशन देते हैं एम्प्लॉयज को, उस कंपनसेशन की यहाँ पर बात हो रही है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जितना भी मिला वो टैक्सेबल है, एज सिंपल एज दिस। और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में लोअर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसिट 5 लाख रुपीज और एवरेज वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज। 15 डेज मतलब 15/30 करना है, पर मैंने यहां लिखा नहीं है 30, क्योंकि वो वेजेस शब्द यू किया है ना, तो कई बार इट में भी डेली, इट में भी वीकली हो सकता है कि जो जिस तरह के लेबर की बात हो रही है वो शायद डेली वेजर टाइप के ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए डिनोमिनेटर लिखने की जगह उन्होंने आगे बेसिस भी दिया है कि अपने को क्या करना है। तो 15 डेज वेजेस फॉर राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस लेना है अपने को। एक्चुअल रिसिट 5 लाख रुपए और एवरेज वेजेस इनटू 15 डेज वेजेस फॉर राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अब इसमें एक फिगर आता है, दैट इज एवरेज वेजेस। एवरेज वेजेस में कितने समय का एवरेज लेना है, तो मंथली है तो अपने को 3 कंप्लीटेड मंथ्स का एवरेज लेना है, 10 महीने का नहीं लेना है, 3 महीने का लेना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 3 महीने का एवरेज लेके डिनोमिनेटर 30 ले लेंगे। वीकली है
तो अपन 4 हफ्तों का एवरेज लेंगे और डिनोमिनेटर 7 ले लेंगे, तो 15/7 ले लेंगे यहाँ, क्योंकि 7 दिन की वेजेस निकली होगी ना अपनी, एवरेज वेजेस ऑफ 7 डेज निकली होगी, तो 15 दिन की निकालनी है तो 15/7 कर लेंगे, ठीक है। और अगर डेली वेजेस हैं तो 12 दिन का एवरेज लेकर अपन ले लेंगे 15/1, क्योंकि 15 कंप्लीटेड वर्किंग डेज का अपने को वेजेस निकालना है, तो 15 दिन का वेजेस ले लेंगे। दैट इज एज सिंपल एज दिस। वेजेस के कंपोनेंट्स क्या होंगे उसको याद नहीं रखो यहाँ पे, वो बहुत टेक्निकल है। बेसिकली इट्स कवरिंग ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, इवन सम परक्विजिट्स आर कवर्ड लाइक हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटी, कंसेशनल फूड एंड अदर आर्टिकल्स, तो परक्विजिट्स भी काफी हद तक उनने कवर कर लिए। इन सबको मिलाकर वेजेस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब उसके बाद आता है वीआरएस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वीआरएस देता है तो ऐसी परिस्थिति में वीआरएस में जितना भी पैसा मिला वो टैक्सेबल, इट इज नो नथिंग इज एग्जम्प्ट इन जनरल, वीआरएस का कितना भी पैसा मिला वो टैक्सेबल। हावेवर वीआरएस पे एग्जम्पशन भी मिल सकता है, पर मिलेगा कब और मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो वीआरएस का एग्जम्पशन कब मिलेगा? जब आपका ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर इनमें से कोई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एनी अदर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी या कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट लाइक आईआईएम या कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो इसमें ये सब कवर हो गए, बेसिकली सारे कॉरपोरेट एंटिटीज, सारी कंपनी वगैरह कवर हो गई, इनमें एग्जम्पशन मिलेगा। इनमें एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आपकी जो वीआरएस की स्कीम है वो रूल 2B को कंप्लाई करती है। मतलब आप वीआरएस किसको दे रहे हो? या तो उसको दे रहे हो जिसको 10 साल जॉब करते हुए हो गए, या उसको 40 ईयर्स एज के हो गए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, 10 साल जॉब करते हुए या 40 ईयर्स, ठीक है। तो कोई 35 साल का है पर उसको 10 साल हो गए तो भी वो एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए, डायरेक्टर्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब आपकी स्कीम में होना चाहिए। योर वीआरएस स्कीम शुड हैव दीज फीचर्स, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि वीआरएस के जरिए इट शुड रिजल्ट इन ओवरऑल रिडक्शन इन दी वर्कफोर्स, ओवरऑल इससे आपके एम्प्लॉयज कम होने चाहिए। और चौथी चीज ये है कि आपने उस एम्प्लॉय को वीआरएस दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी में लगा दो, तो अपन ने एक कंपनी से निकाल के अपनी दूसरी कंपनी में उसको जॉब दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर ये सारे चीजें हैं अपनी स्कीम में तो फिर ऐसी परिस्थिति में वीआरएस का एग्जम्पशन हमारे एम्प्लॉय को मिलेगा। अब वीआरएस का एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एक्चुअल रिसिट और 5 लाख और लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, या लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। ज्यादा से ज्यादा उसकी रिमेनिंग सैलरी से ज्यादा तो एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकता है, तो आखिरी फिगर वही है रिमेनिंग सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, तो बची हुई सैलरी से एग्जम्पशन नहीं मिल सकता है। तीसरा फिगर आता है लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर 3 मंथ्स फॉर कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। तो जैसे अपन वहां पर 15 दिन ले रहे थे ना, किसी में 30 दिन ले रहे थे कंप्लीटेड इयर्स का 30 दिन, तो यहां पर अपन कंप्लीटेड इयर्स के 3 महीने ले रहे हैं, ये उनका फॉर्मूला है। 5 लाख रुपए इस सेक्शन की लिमिट है, एक्चुअल रिसिट अगला फिगर है। एग्जम्पशन वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक बार आपको वीआरएस का एग्जम्पशन मिल गया तो अब जीवन में इवन बचे हुए अमाउंट का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब जीवन में आपको वीआरएस का एग्जम्पशन कभी नहीं मिलेगा। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम इन अ डिफरेंट स्टाइल। वंस इन अ लाइफ टाइम यहाँ कैसा है कि अगर एक बार एग्जम्पशन ले लिया तो इवन बचे हुए अमाउंट का आपको कभी आगे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सैलरी के कंपोनेंट्स हैं बेसिक प्लस सीडीए, दैट इज इट। और अगर आप वीआरएस का एग्जम्पशन ले रहे हो तो 89(1) का जो रिलीफ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो 10 का 5 लाख का एग्जम्पशन लो तो 89(1) का रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। अब इस चैप्टर की आखिरी चीज आती है और वो है 89(1) का रिलीफ। तो देखो 89(1) का जो रिलीफ होता है वो क्यों होता है, एक तो ये सवाल है, और 89(1) का रिलीफ कैसे निकलता है। तो अपने नोट्स में पेज 47 पे ये दिया हुआ है, तो 47 पे दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलीफ अंडर 89(1). अब 89(1) का रिलीफ बेसिकली इसलिए मिलता है क्योंकि आपको एक लमसम मिल गया, वो लमसम मिलने से अचानक से आप किसी हायर स्लैब में चले गए, तो वो स्लैब का बेनिफिट है बेसिकली।
कि एकदम से आपको कोई लमसम मिलने के कारण, रिसिट होने के कारण यू वेंट इन टू अ हायर स्लैब, जबकि वो अमाउंट किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स का होगा, नंबर ऑफ ईयर्स का एक साथ आपको कोई कैपिटल अमाउंट मिल गया, तो उनको लगा कि क्योंकि आप एकदम से हायर स्लैब में चले गए तो ये गलत है, तो वो बेसिकली उसको अकोमोडेट कर रहे हैं कि जो अचानक से आपको ज़्यादा टैक्स बन गया उसको नलीफाई कर देंगे। तो 89 का वन का रिलीफ बेसिकली इसलिए होता है, इट्स अ रिलीफ फ्रॉम टैक्स, इट्स नॉट अ रिलीफ फ्रॉम इनकम, इट्स अ रिलीफ फ्रॉम टैक्स। रिलीफ या रिबेट शब्द का उपयोग इसीलिए होता है क्योंकि वो एक डिडक्शन होता है टैक्स में से। तो 89(1) का रिलीफ काहे में से मिलेगा, टैक्स में से मिलेगा। अब 89(1) का रिलीफ एम्प्लॉयमेंट के समय भी मिलता है, रिटायरमेंट के समय भी मिलता है। रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के समय कैसे मिलता है, देखो एम्प्लॉयमेंट के समय आपको कोई लमसम अमाउंट मिल सकते हैं, जैसे अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, या लीव एनकैशमेंट, या फैमिली पेंशन। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको इन नाम से कोई लमसम अमाउंट मिल सकता है। अगर इन नाम से आपको लमसम अमाउंट निकला, कोई मिल गया, तो आपको रिलीफ कैसे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप टैक्स निकाल लो, इग्नोरिंग 89(1). अपन तो ये मानो ये इस साल अपने को लमसम मिला, इस साल की सैलरी में इसको जोड़ दो। जैसे मान लो अपने को अरियर्स मिल गया, तो इस साल जो भी अरियर्स मिला इस साल की सैलरी में जोड़ दो, और इस साल की सैलरी में जोड़कर अभी टैक्स निकाल लो, रिसिट बेसिस पर टैक्स निकाल लो। ठीक है, रिसिट बेसिस पर टैक्स निकाल लो, और फिर वो रिसिट बेसिस पर जो टैक्स निकला उसमें से 89(1) का रिलीफ माइनस करो। तो 89(1) का रिलीफ कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन रिसिट बेसिस फॉर ऑल द ईयर्स, जितने भी साल का ये अरियर मिला है उतने सब सालों का टैक्स निकाल लो रिसिट बेसिस पर। तो उसमें अरियर जो है करंट ईयर में ऐड होगा, ठीक है, करंट ईयर में अरियर को ऐड करके उसको टैक्स निकालोगे, और टैक्स ऑन ड्यू बेसिस फॉर ऑल द ईयर्स वो निकाल लो सेकेंड फिगर। जैसे मान लो अपने को 2021 में अरियर्स मिला 5 लाख रुपए, और ये 5 साल का है, तो अपन क्या करेंगे, रिसिट बेसिस पे टैक्स निकालेंगे 5 साल का। तो 2021, 2019, 2018, 2019, 2017, 2018 और 2016, 2017 ये 5 सालों का टैक्स निकालेंगे रिसिट बेसिस पे। ये टैक्स निकालने के लिए अरियर को अपन करंट ईयर में जोड़ देंगे, 5 लाख रुपए करंट ईयर में जोड़ देंगे रिसिट बेसिस पर, और ये करंट ईयर में जोड़ के ये टैक्स का टोटल निकाल लेंगे। और टैक्स ऑन अक्रूअल बेसिस जब अपन निकालेंगे तो ये अरियर को 5 सालों में डिवाइड कर देंगे, हर साल 1-1 लाख रुपए का फिगर ऐड करके अब ये 5 सालों का टैक्स अक्रूअल बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, अभी 1-1 लाख रुपए हर साल ऐड करोगे तो लोअर स्लैब में आ जाओगे ना शायद आप, तो ये 5 साल में 1-1 लाख रुपए ही ऐड करके टैक्स निकालोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये एडिशनल टैक्स था जो आपको देना पड़ रहा था, तो ये डिफरेंस को अपन 89(1) का रिलीफ करेंगे, टैक्स ऑन रिसिट बेसिस माइनस टैक्स ऑन accrual basis, this is 89(1) relief। बहुत ज्यादा अभी टेंशन इसका नहीं लेना है अपने को, मैंने तब भी कहा था क्योंकि ये प्रायोरिटी 3 है सैलरी हेड का, आता होता कुछ है नहीं इसमें, टेंशन लेने जैसी बात है नहीं। आता होता मतलब अपने को तो आता है, एग्जाम में नहीं आता है ऐसा कह रहा हूं मैं, तो वैसी बात है। चलो तो ये सिंपल सी बात है, तो अभी ये है। इसके बाद 89(1) का रिलीफ रिटायरमेंट के समय भी मिलता है। रिटायरमेंट में क्या होता है कि बहुत साल हो जाते हैं ना आपको जॉब करते हुए, 10 साल 20 साल, तो कितने साल का टैक्स निकालोगे रिसिट और अरियर बेसिस पे, 20 साल हो गए, तो क्या 20 साल का टैक्स ऑन रिसिट और 20 साल का टैक्स ऑन अक्रूअल बेसिस निकालोगे, ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिमिट दे दी, अगर आपको 15 साल हो गए जॉब करते हुए तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर से 20 साल 15 साल 18 साल आप क्या करोगे, 3 साल का टैक्स निकाल लोगे, वो लमसम अमाउंट को 3 साल में डिवाइड कर दोगे, तो टैक्स ऑन अक्रूअल बेसिस 3 साल का निकाल लोगे, 1/3 1/3 ऐड करके टैक्स ऑन रिसिट बेसिस को भी 3 साल का निकाल लोगे, इस डिफरेंस को 89(1) का रिलीफ कह दोगे। अगर 5 से 15 साल हुए आपको तो ऐसी परिस्थिति में 2 साल में डिवाइड करोगे, तो 1/2 1/2 को आप 2 साल में डिवाइड कर दोगे और उससे आप अक्रूअल बेसिस पे टैक्स निकाल लोगे और इन 2 साल का रिसिट बेसिस पे टैक्स निकाल के डिफरेंस कर दोगे। और अगर आपको जॉब करते हुए 5 साल भी नहीं हुए हैं तो 89(1) का रिलीफ फिर आपको नहीं मिलेगा। दैट इज इट। इसके साथ अपना सैलरी हेड जो है वो रिवाइज हो गया। एक बार में तो नहीं होगा, एक बार में डेफिनेटली नहीं होगा, वैसे जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया
यू ट्राई टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन. तो ये वीडियो लेके बैठ जाओ सुबह 4 बजे या रात को 9 बजे 10 बजे जब भी आपका टाइम है, सोने से पहले इसको आराम से सुन लो. सोते सोते जो है नींद भी आ जाएगी थोड़ी. तो क्या होता है कि जो अपन सोने से पहले चीज़ें सुनते हैं वो समवेयर उसका रिकलेक्शन ज़्यादा रहता है. ऐसा थोड़ा सा साइंस है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है वो. तो इसलिए सोने से पहले अपन इसको सुन लो, 2-4-10 बार सुन लो, ज़्यादा बार मत सुनो. अभी तो बहुत दिन भी हैं, अभी तो सेप्टेम्बर ही चल रहा है, अभी दिसंबर में परीक्षा है, वो भी बीच में थर्ड वेव आ गई तो और समय है. अभी तो चिंता नहीं, आराम से कर लो इसको, कर लेना. सैलरी हेड अपना हो गया. अब अगला चैप्टर जो अपने को चालू करना है वो है हाउस प्रॉपर्टी. अभी तो नहीं करते हैं, 5 मिनट बचे हैं. ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका. तो बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. We'll discuss house property in the next lecture and then we'll go to business head. Okay, we'll go by the sequence of the heads in our notes. House property, then business head, then capital gain, then other sources. That is how we will do. So thank you very much. अब हुई. हाँ.